बनाना सिखाऊंगी, शामी कबाब की एक बेहतरीन रेसिपी। आप लोग हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और आखिर तक देखिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ शामी कबाब की रेसिपी। आप मेरी रेसिपी को अगर फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार आपके बनने वाले हैं शामी कबाब। आप ये मेरे इंग्रेडिएंट्स देख लें, ये आपको थोड़े से चेंज लग रहे होंगे। जो लोग अक्सर घर के अंदर बनाते हैं उससे थोड़े से कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, ये हमारे पास है 1.5 किलो 2.25 किलो बोनलेस बीफ है। ये हमारे 2 चम्मचे ज़ीरे के हैं, 1 चम्मच काली मिर्चें हैं, 1/2 चम्मच लौंगे हैं, 3 बड़ी इलायची है और 3 से 4 छोटी इलायचियाँ हैं, दालचीनी का पीस है, जायफल का छोटा सा पीस डालूंगी मैं इसके अंदर खुशबू के लिए, ये धनिया है साबुत और लहसुन और अदरक और लाल मिर्चें आप देख लें ये हैं, और ये हरी मिर्चें हैं काफ़ी सारी 25-30 के करीब, और ये 2 बड़ी प्याज़ें हैं। ये हमने अपने बर्तन के अंदर गोश्त शामिल कर दिया है, अब इसमें पानी और बाकी मसाला जात सारे डाल देंगे एक साथ। ये हमने चूल्हा जला के अपना गोश्त शामिल कर दिया था, अभी हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। जैसे हम बीफ की यखनी नहीं बनाते हैं पुलाव के लिए, उसी तरह के सारे मसाले मैं इसके अंदर डायरेक्ट शामिल कर दूंगी। ये साबुत धनिया है, मैं थोड़ा और शामिल करूंगी, ये कम है, मैंने कूट कर रखा हुआ है, वो मैं डाल दूंगी इसमें। ये तकरीबन 1 चम्मच है, मुझे 3-4 चम्मचें चाहिए। ये हरी मिर्चें हैं आप देख लें, तो 20-25 के करीब होंगी, और ये काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची, दालचीनी, सारे मसाले ये भी सब शामिल कर दिए मैंने इसमें। ठीक है, अब ये इसके अंदर पकता रहेगा और जब गल जाएगा उस वक्त मैं इसमें चने की दाल शामिल करूँगी। अभी हम इसको पकने देंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, मेरे बनाने का तरीका आपको डिफरेंट लगता है और आपको खाना इस तरीके से बनाने पे मज़ेदार बनता है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए आने वाले लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लगते, और हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब की सूरत में रिटर्न मिल सकता है, तो हमारी हौसला अफज़ाई होगी। आप हमें ज़रूर लाइक कीजिए हमारे रेसिपीज़ को, और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखें, साबुत धनिया मेरे पास कुटा हुआ रखा हुआ है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पहले मैंने साबुत डाला, अभी थोड़ा सा वो कम पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। देखें, शामी कबाब चटपटे बनने चाहिए, मज़ेदार, फीके फीके शामी कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब तक उसमें स्पाइसेस नहीं होंगी, और स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरीके से नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप देख लें इन तमाम चीज़ों को मैंने कितनी तमाम डाली है अज़ा, इसी हिसाब से अपना रेशो रखिएगा। व्यूअर्स, ये देखें, ये इसका पानी भी कम हो गया है और ये गोश्त भी आधे से ज़्यादा गल चुका है। ठीक है, हाफ डन से ज़्यादा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। नमक मैंने उस वक्त नहीं डाला था, अब नमक अपने हिसाब से डालें। और कुछ लोगों को ना कबाब के अंदर थोड़ा पीला पीलापन अच्छा लगता है, कि वो थोड़े पीले पीले से हों तो अच्छे लगते हैं, उन लोगों के लिए ये है कि वो लोग 1/2 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, मुझे हल्दी का फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ी सी डालूंगी बिल्कुल हल्दी। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चने की दाल। ये हमारी चने की दाल है, जो कि मैंने 1/2 घंटे से भिगो के रखी हुई है। ठीक है, अब मैं उसके अंदर डाल दूंगी ताकि ये भी गल जाए। ये हमने दाल शामिल कर दी है इसमें। कुछ लोग गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं शामी कबाब के अंदर, और कुछ लोग जो है वो गोश्त
कम पसंद करते हैं कि दाल का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा हो और गोश्त कम हो, तो आप उस हिसाब से अपना तनासुब रख लीजिएगा। मैंने तकरीबन डेढ़ पाव डाली है, 1.5 किलो गोश्त में 1.5 पाव दाल डाली है मैंने, पूरी आधा किलो नहीं डाली, ठीक है। मैं हम लोग ज़रा गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं इसके अंदर, और जब बकरीद के दिन होते हैं तो गोश्त की तो फिर वाफर मकदार होती है हर किसी के घर में, तो आप लोग फिर बहुत और भी कम कर सकते हैं, 1 पाव दाल कर दें तो उससे और भी ज़्यादा मज़े के आपके शामी कबाब बनेंगे। ये देखें, इसका तमाम पानी खुशक हो चुका है और दाल भी गल चुकी है और हमारा गोश्त भी गल चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर दाल नहीं रखी है, दाल का तनासुब कम ही है गोश्त की निस्बत, ठीक है। मैं नमक मिर्चे वगैरह हर चीज़ इस वक्त चेक कर चुकी हूँ, सब कुछ ठीक है। अब हम इसको पीसेंगे। आपके पास अगर सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे पे पीस लें, और वरना मशीन में पीसना चाहें मशीन में पीस लें। ये देखें, हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ठीक है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और उसको पीसेंगे। ये देखिए, हमारा ये हमने पीस लिया है, मेरे पास मशीन मौजूद है तो मैं इससे पीस रही हूँ, आप लोग सिलबट्टे से भी कर सकते हैं। ये हमारा मसाला पीस चुका है, अब इस मसाले के अंदर हम ये प्याज शामिल करेंगे, हरी मिर्चें, और ये 2 अंडे हैं, और ये हरा धनिया, और थोड़ा सा पुदीना मैंने डाला है। इन तमाम चीज़ों को उसके अंदर मिक्स करके इसकी हम लोग कबाब वाली टिक्किया बना लेंगे। व्यूवर्स देख सकते हैं, ये मैंने तमाम शामी कबाब जो है वो इसकी टिक्किया बना ली हैं, और तमाम शामी कबाब एक साइज़ के और गोल हैं। ये मैंने तमाम शामी कबाब रेडी कर ली हैं। अब ये बाकी तो मसाला मैं वक्तन फ़वक्तन बनाती रहूँगी अभी थोड़ी देर में, अब फ्राई करके दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम अपने माशाल्लाह से शामी कबाब फ्राई करने लगे। हमने कबाब को अंडे में डिप किया है, फिर हमने ये बीच में रख दिया है। आपके पास अगर फ्राइंग पैन है तो आप फ्राइंग पैन पे फ्राई कर लें, वैसे ये तवे पे ज़्यादा अच्छा फ्राई होते हैं। हमने माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे कबाब बरकत दे अल्लाह मियाँ, हमने फ्राई कर लिए हैं। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ती रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे माशाल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, खाने में बरकत होती है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमेशा अपना खाना पकाना शुरू करना चाहिए। ये देखें, मैं अपने कबाब पलट रही हूँ। ये देखें, दोनों तरफ से हो गए फ्राई। अब जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, हम तवे के कॉर्नर पे इसको कर देंगे, ताकि इसका ऑयल भी निकल जाए और ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, इसको हम साइड पे रखते जाएंगे। हम लोग कबाब फ्राई करने के बाद इस तरह तवे के कॉर्नर पर ज़रूर रखते हैं, इससे एक तो कबाब क्रिस्पी रहते हैं ऊपर से, इसके ऊपर जो परत होती है वो बड़ी खूब अच्छी सी क्रिस्प बनती है इसके ऊपर, और दूसरा ये कि इसमें से सारा ऑयल जो है वो निकल के बीच में जमा हो जाता है, तो हम लोग ज़रूर इसको तवे के कॉर्नर्स पर छोड़ते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अपने हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।